हाय हेलो, वेलकम एवरीवन। आई एम श्योर आपकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही हैं। दिसंबर 22 के हिसाब से अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। इसमें ये चैप्टर में कुछ एक टॉपिक्स ज़रूर देख के जाइएगा। आई एम श्योर आप जहाँ तक हो सकेंगे पूरा ही देखेंगे। जितना भी आपने नोट्स वगैरह में कवर किया है वो तो आपको देखना ही देखना है, ओके। पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो दिसंबर 22 के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो सकती है, एज अ रिकमेंडेशन एग्जाम टाइम पे ज़रूर देख के जाना, ओके। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? वेल, आई विल गिव यू समथिंग टिक मार्क्स, इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हाँ, सो ये जो पार्ट है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने NCLT कब कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया था, NCLT की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी सेटअप क्या है, और द फर्स्ट फेज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने NCLT कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है और डिफरेंट एरियाज में क्या है, ये एक बार ज़रूर देख के चले जाना, ठीक है। उसके साथ साथ यस, NCLT वर्क्स एज अ नॉर्मल कोर्ट। उसका काम क्या है? फेयरली मॉनिटर करता है चीज़ों को, एक्ट को प्रॉपरली देखता है, चीज़ें इंप्लीमेंट होती है कि नहीं, वो पार्ट। एंड 424 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या रिक्वायरमेंट्स है? एक अपेलेट ट्रिब्यूनल क्या क्या करता है, अपने फंक्शंस को कैसे डिस्पोज करता है। पास उसकी सिविल कोर्ट की तरह होते हैं, दे आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, देन दे आर सब्जेक्ट टू सर्टन रूल्स रेगुलेशंस, एंड उनको CPC के जो दिए हुए पास है वो क्या क्या कवर करते हैं, तो ये उनके CPC के पास होते हैं, जैसे समनिंग, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, रिक्वायरिंग डिस्कवरी ऑफ एविडेंस, देन रिक्विजिशनिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स और डिसमिसिंग अ पिटिशंस और डिसाइडिंग अ मैटर एक्स पार्टे और एनी सच मैटर्स। तो ये सब चीज़ें उसके साथ कवर होती हैं, तो ज़रूर देख के जाना, ठीक है। इसके साथ साथ ये वाला पार्ट भी ज़रूर पढ़ के जाना, दैट इज़ हाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल्स लिस्टेड हियर्स। तो ये सारे जो रूल्स हैं, तो वॉट आर द वेरियस लिस्ट ऑफ रूल्स जो NCLT के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, रिमेंबर सम ऑफ देम, बट एक आंसर के मार्क्स देखते हुए लिख सकते हो, बट पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। देन उसके साथ साथ ये भी पढ़ के जाइएगा, हाँ, सेक्शन फोर के हिसाब से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के हिसाब से ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस कैसे होते हैं, एक ट्रायल का रिक्वायरमेंट क्या है। ऑल ऑफेंसेस इंडियन पिनल कोड जनरली CRPC के हिसाब से कवर किए जाते हैं, दे हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड एंड ट्रायल। ऑल ऑफेंसेस हैज टू बी डेल्ट अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो ये सारी चीज़ों के बारे में प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये कैसे ट्रायल होता है। सेक्शन फोर के बाद जो अदर टॉपिक है जो आपको देख के जाना चाहिए, वो दूसरा टॉपिक जो है वो ये है, या ये इट इज़। सो इसके साथ साथ ये भी देख के चले जाना, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट देता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल कैसे कॉन्स्टिट्यूट होंगे, कोई भी पर्सन डिप्राइव नहीं किया जाएगा एंड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। लेकिन जब ये देखा जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि जब कॉन्ट्रोवेंशन वेल डिफाइंड होते हैं तो वो ट्रायल के अंदर नहीं आते, वहाँ पे हम मेंस रिया वगैरह नहीं देखते, हम देखते हैं स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस दिए गए वो कंप्लीट हुए कि नहीं, एंड दो द अबाउट डिसीजन वॉज रेंडर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी लॉ। लेकिन वो कहीं ना कहीं कंपनी लॉ में भी होल्ड करता है। तो इफ़ यू आर अ ऑफिसर इन डिफॉल्ट और कंपनी लॉ के हिसाब से कोई वायलेशंस हुआ है, तो वहाँ पे पेनल्टीज एंड लाइबिलिटी हो, समथिंग लाइक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज जिसे बोलते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी आपने पढ़ा है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज कंपनी के पर्सन पे आती है, द क्वेश्चन दैट आई एम इनोसेंट, मैंने कोई रोल नहीं किया, मैं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये सब चीज़ें तब आती है जब मेंस रिया जैसे एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग सोच विचार करते हैं, बट यहाँ पे उस सब चीज़ों के लिए है नहीं। तो इफ़ यू आर नॉट फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स, देयर इज़ अ पेनल्टी विच इज़ कमिंग। तो वहाँ पे इनोसेंस ऑफ अ पर्सन आप प्रूव कर सकते हो अगर कोई कंपनी से वायलेशंस या सीरियस चार्जेस आए, तब तक के लिए इट्स जस्ट दैट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रायल्स विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर जनरल ऑफेंसेस, ठीक है। तो ये पॉइंट भी अपनी तरफ से देख के जाना। प्लस इसके साथ साथ सजेशन ये है कि ये वाला केस भी पढ़ के जाइएगा, MS शरीफ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, द प्रपोजिशंस दैट, ओके। तो ये केस के अंदर भी यही है कि सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं, सेम फैक्ट्स के हिसाब से है, टू सिविल सूट्स हैं, एंड यस, सो एज यू कैन सी वी आर इन्फॉर्म दैट द हियरिंग ऑफ द टू फर्दर सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स अराइजेज फ्रॉम द सेम फैक्ट्स are now pending upon the against the appellants. One is a civil suit for damages of wrongful confinement and the other two is a criminal prosecution for the wrongful confinement, one against each sub-inspector.
It was said the simultaneous prosecutions of these matters was embarrassed the accused. But after hearing the appeal, we received information that the two criminal prosecutions have been closed with liberty to file the fresh complaints when the papers are ready. As the High Court records were not available on the application of the accused, as these prosecutions are not pending at the moment, the objection regarding does not arise, and we can see that the simultaneous prosecution of the criminal prosecution out of which the appeal arises and civil suits embarrass the accused, we have therefore determined that they should be stayed. So, अच्छा जजमेंट था जिसके अंदर दो प्रोसिक्यूशंस अगर ले डाउन है और इसमें थोड़ा सा फैक्ट्स एक्चुअल पोजीशन चेंज हो चुका था कि इस केस में जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स थे उसको विड्रॉ करके वापस से फाइलिंग की थी, फ्रेश कंप्लेंट्स की एप्लीकेशन डाली गई थी. सो जब तक पेपर्स नहीं आते तब तक क्लैरिटी नहीं थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही बोला कि एक सिविल सूट एक सिविल के नेचर में होना चाहिए, क्रिमिनल सूट क्रिमिनल नेचर में होना चाहिए, लेकिन एक ही चीज़ों के रिगार्ड में दो सूट विल डेफिनेटली affect the appellant and therefore one of them has to be stayed accordingly. इसलिए ये अच्छा केस था तो सजेशन ये पढ़ के जाइएगा. एंड इसके साथ साथ आप ये भी पढ़ के जाइएगा, यस, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट. सो 151 सीपीसी के हिसाब से सिविल कोर्ट के पास कुछ इनहेरेंट पावर्स हैं. जब लॉ कुछ नहीं एक्सप्रेसली बोलता तभी ये पावर्स यूज करते हैं, और इसमें फेमस केस ये था. दिस वॉज अ फेमस केस एंड 151 इज नॉट अ सब्सटैंडिव प्रोविजंस. It creates, confers certain powers on the civil court with regard to this. And iske saath saath, the provisions of CPC are not exhaustive. And 151 recognizes and confirms certain powers of the code which is not expressly provided. So, jahan pe law apne aap mein clear nahi hai, wahan pe ye powers use hote hain. Aur courts jo hain, wo ye powers apne aap mein tab exercise nahi kar paate hain jab provisions of law kaafi had tak clear hai. Clear? तो ये पावर्स को कोर्ट को एक्सरसाइज करने के लिए सूटेबल ज्यूरिस्डिक्शन और उसका रीजंस लॉ रिकॉर्ड करना होता है, और कहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आ रही है वो बताना होता है. और ये जो इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, ये अपने आप में एक तरह के कॉम्प्लीमेंट्री पावर्स हैं. तो जो सेक्शंस या स्टैट्यूट्स में पार दिए गए उसके साथ में ये पावर्स रहते हैं. एंड वाइल एक्सरसाइजिंग द इनहेरेंट पावर्स, कोर्ट्स को बहुत ज़्यादा कॉशियस अप्रोच लेनी पड़ती है, क्योंकि ये पावर्स अपने आप में तब यूज़ आते हैं जब एक विजडम ऑफ द कोर्ट की डिमांड आती है या कोर्ट के डिस्क्रिशन की डिमांड आती है. तो जब तक लॉज अपने आप में क्लियर नहीं तब ये यूज़ करते हैं. एंड 151 विल हैव टू बी यूज इन द सर्कमस्ट्रक्शन एंड केयर. तो यस, 151 बहुत ही सोच समझ के और एब्सोल्यूट नेसेसिटी को देखते हुए और प्रोविजंस ऑफ कोड को देखते हुए फिर यूज़ करना होता है. तो जब लॉ क्लियर नहीं है तभी ये पावर्स यूज़ किए जाएंगे. ठीक है, इसके साथ साथ आप ये दो जजमेंट भी देखे चली जाए, ये पार्ट देखे जाइएगा. द तमिलनाडु केस जिसके अंदर द ऑफेंस ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल. एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने आप में एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एंड वो एक क्रिमिनल डिलीवरी सिस्टम में हेल्प करता है, और वो इंडिपेंडेंट अनबायस इम्पार्शल होना चाहिए. पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी पुलिस प्रोसिक्यूटर की तरह काम नहीं करना चाहिए, वो एक पब्लिक के कंट्रोल में. एंड जनरली वो एक एडवोकेट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनता है जो रिक्वायर्ड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखता है. एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सब डिविजनल, ये सब एक सुपरविजन रखते हैं कि पुलिस अपना काम भी बराबर से कर रही है कि नहीं. And yes, they are in under the criminal justice delivery system. एक तरह से help करते हैं court को to understand the case better. So that's why the need of public prosecutor is always there. So please, ये वाला judgment आप ज़रूर पढ़ के जाना कि public prosecutor की requirement क्यों है या किस nature में है. ठीक है, इसके साथ साथ अगर चाहो तो ये 443 भी पढ़ सकते हो कि हम public prosecutor नहीं लेकिन company prosecutor concept रखते हैं, जहाँ पर central government को लगता है एक कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होना चाहिए, और किसी क्रिमिनल केस के हिसाब से कंपनी लॉ के अंदर एक कंपनी प्रोसिक्यूटर होना चाहिए. तो वी डू अपॉइंट प्रोसिक्यूशंस के लिए कंपनी प्रोसिक्यूटर्स आल्सो. ठीक है, उसके साथ साथ ये वाला पार्ट भी पढ़ के जाइएगा. दैट इज़ द पावर्स ऑफ द कोर्ट. हाई कोर्ट के क्या पावर्स हैं, सेशंस कोर्ट के क्या पावर्स हैं, देन एडिशनल असिस्टेंट सेशंस कोर्ट के क्या पावर्स हैं, सेंट्रल सॉरी
चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनके क्या पावर्स हैं, तो ये पढ़ के जाइएगा, इट्स गुड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू, क्लियर। और कंपनी लॉ के हिसाब से, हाँ, कंपनी का डेफिनेशन, पुराना डेफिनेशन और नया डेफिनेशन में क्या फ़र्क है। तो एक कंपनी लॉ के हिसाब से कंपनी के डेफिनेशंस पुराने टाइम में 1956 एक्ट में अलग हुआ करते थे, और उसके इम्प्लीकेशन में पुरानी कंपनीज एक्ट और इंडियन कंपनीज एक्ट, उससे भी पुरानी, सब कवर की जाती थी। और नई डेफिनेशन में कोर्ट का डेफिनेशन क्या है, तो कोर्ट का डेफिनेशन दैट इज सेशंस कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ये सब चीज़ें अब इंक्लूड की गई हैं जो प्रीवियस कंपनी लॉ में उतनी वाइडली इंक्लूड नहीं होती थी। ओके, तो इस समय हम लोग स्पेशल कोर्ट्स में इंक्लूड करते हैं जो उस टाइम के हिसाब से नहीं हुआ करता, ठीक है। देन इसके साथ साथ आप यस सेक्शन 436 पढ़ के जाइएगा। 436 ऑफ कंपनी लॉ क्या बोलता है, 436 क्लियरली बोलता है कि जितने भी ऑफेंसेज है स्पेशल कोर्ट के थ्रू ट्राई होंगे कंपनी लॉ के हिसाब से, तो स्पेशल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन क्या है, उसके प्रोवाइजो में स्पेशल कोर्ट कब किस पर्सन को डिटेन कर सकता है, अगर किसी पर्सन को किसी ज्यूरिसडिक्शन में डिटेन किया है तो उसको कैसे दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में डिप्यूट किया जाता है। प्लस उसके साथ साथ 436(2) ज़रूर देख के जाना, मतलब ये पूरा 436 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और ये किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, समरी ट्रायल कब ली जा सकती है और रेगुलर ट्रायल्स कब ली जा सकती है, प्लस उसके साथ साथ 436 के ऑफेंसेस कैसे रहते हैं, 436 कंपनीज लॉ में क्या एक पोजीशन होल्ड करता है, और इन केस अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज़्यादा है तो समरी ट्रायल्स वो किस कब बंद करके रेगुलर ट्रायल्स में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोविजन ज़रूर देख के जाना, इम्पॉर्टेंट प्रोविजन्स में से एक है। देन या 437 देख के जाइएगा, स्पेशल कोर्ट्स शुड बी डीम्ड एज अ कोर्ट ऑफ सेशंस, तो इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील चली जाती है, तो दे आर डीम्ड एज अ कोर्ट ऑफ सेशन 437, और उसमें अपील्स रिविजन रिव्यू के क्या पावर्स है उसके हिसाब से। प्लस समन्स केसेस एंड वारंट केसेस में क्या डिस्टिंग्विश रहता है, तो ये देख के चले जाना, व्हाट इज़ अ समन्स केस, व्हाट इज़ अ वारंट केस, कैसे एक वारंट केस का डेफिनेशन क्या रहता है। वैसे जनरली कोई भी केसेस जो वारंट केस नहीं है वो समन्स केसेस, समन्स केस जिसमें डेथ, इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years पनिशेबल इज गिवन, और ये आप ऑलरेडी यू कैन से एग्जीक्यूटिव लेवल से पढ़ रहे हो, तो इसको एक बार इस चैप्टर में ज़रूर देख के चले जाना, इट विल हेल्प यू, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हाँ ये वाला टॉपिक भी ज़रूर देख के चले जाना, डिस्पेंसिंग विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज, तो अक्यूज का कब प्रेजेंस कोर्ट में नहीं चाहिए रहता, लेकिन कब चाहिए रहता है, तो सेक्शन 256 ऑफ CRPC की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और कंपनी लॉ के हिसाब से ROC हर केस में नहीं आ सकता, तो उसके लिए उसके अटेंडेंस डिस्पेंस करने का। और उसके साथ साथ ये वाला केस जो उसके सपोर्ट में था, भास्कर इंडस्ट्रीज वर्सेस भिवानी डेनिम अपैरल्स लिमिटेड, ये भी एक बार पढ़ के ज़रूर जाना, इट्स अ वेरी गुड केस। एंड रीडिंग के हिसाब से वैसे तो ओवरऑल आपको सारा सब्जेक्ट ही पढ़ने का है, जो भी आप नोट से पढ़ रहे हो प्लीज़ पूरा अच्छे से पढ़ के जाओ, बट ये कुछ टॉपिक्स एडिशनली ज़रूर देख के जाइएगा। इसके साथ साथ ये भी देख लेना, या एडमिशन ऑफ गिल्ट, तो एक गिल्ट एडमिट करता है अक्यूज, प्लीज गिल्टी, उसका रिकॉर्डिंग कैसे होती है, मैजिस्ट्रेट उस अपने डिस्क्रिप्शन में क्या क्या काम कर सकता है, किस तरह लेजिस्लेचर उसको कवर करता है, कैसे चार्ज फ्रेम किया जाते, ये पार्ट ज़रूर देख के जाना, ठीक है। देन या समनिंग ऑफ विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन, तो प्रोसिक्यूशन के लिए विटनेस को समन्स कैसे भेजते हैं, और मैजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू करता है, विटनेस का प्रेजेंस कॉल फॉर करता है, विटनेस अपनी जगह पर प्रेजेंट होगा, उसके हिसाब से उसका रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किया जाएगा। देन या पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का 313 के हिसाब से एग्जामिनेशन होता है, ही हैज़ टू बी एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज जब वो अरेस्ट हुए हैं, उसको क्वेश्चनिंग किया जा सकता है, एंड विदाउट वारंटिंग हिम एनीथिंग एडवांस उसको अचानक से भी क्वेश्चनिंग किया जा सकता है, तो 313 की रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स में से एक है, प्लीज पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यस issue of summons to produce documents of things, तो अगर किसी केस के अंदर किसी टाइम पे डॉक्यूमेंट्स एंड थिंग्स डिज़ायरेबल हो जाती है,
एंड कोर्ट उस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो रिटन ऑर्डर्स के थ्रू उसको हम लोग प्रोसेशन में प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे सकते हैं, और वो डिज़ायरेबल है, वो किस तरीके से प्रोडक्शन की जाएगी, वो सब चीज़ें डेफिनेटली पढ़ के जाना. देन द इफेक्ट ऑफ नॉन अपियरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट. सो बाय चांस अगर कंप्लेनेंट कोर्ट में नहीं आ रहा या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो क्या आउटकम होगा एक केस का? एक्विटल हो जाएगा, एडजर्नमेंट हो जाएगा, डिस्पेंसेशन हो जाएगा, वो चीज़ें क्या हो सकती है ज़रूर देख के जाना. ओके, देन यस, द पावर ऑफ द कोर्ट टू कन्वर्ट समन्स केस इनटू द वारंट केस. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वापस से बोल रहा हूँ, जितना मैं टॉपिक बोल रहा हूँ उतना ही देख के जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है तो उन्हें अच्छे से देख के जाना है. बाकी जितना आप नोट्स वगैरह में हम लोग कवर कर चुके हैं वो डेफिनेटली पूरा देख के जाना है. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दीज आर नॉट दी ओनली टॉपिक्स. ओके, तो पावर ऑफ द कोर्ट टू समन्स एंड वारंट केस, तो समन्स भेज के किस तरीके से बुलाया जाता है, और अगर सॉरी बुलाया नहीं जाता, अगर एक केस चलते समय अगर कोर्ट को लगता है कि किसी केस के अंदर पनिशमेंट्स एक पर्टिकुलर टर्म से एक्सीडिंग है और समन्स केस नहीं, ये वारंट केस होना चाहिए, तो दे कैन कन्वर्ट अ समन्स केस इनटू अ वारंट केस आल्सो. ठीक है, तो वो ज़रूर देख के जाना. एंड यस, पिटिशन फॉर डिस्चार्ज दिस केस, अनदर गुड वन. सो डिस्चार्ज पिटिशन कैसे फाइल, डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट्स कैसे हो सकती है? एक डायरेक्टर्स का जब अरेस्ट हुआ था, उसकी वाइफ को समन किया गया था, तो मैनेजिंग डायरेक्टर की डेथ के बाद, तो उसने डिस्चार्ज मांगा था, और कब कोर्ट ने क्या कहा? अ वेरी गुड केस, डू स्टडी दैट. एंड यस, दिस वन, कैन अ पर्सन बी प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट फॉर द सेम ऑफेंस? डबल जियोपार्डी, यस, डबल जियोपार्डी, सेम ऑफेंस के केस है. और यहाँ पे आपको सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी साइट करते हुए बोल रहा है कि पर्सन वांस कन्विक्टेड और एक्यूज कैन नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस. उसमें बहुत ही अच्छा केस ये था, भरत प्राइवेट टिम्बर्स का केस, जिसमें केरला हाई कोर्ट का जजमेंट भी था. ओके, तो ये केस डेफिनेटली देखे जाना, स्पेशली ये हाई कोर्ट के व्यूज फैक्ट्स के हिसाब से क्या थे एंड हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड क्या. तो ये वाला केस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ के जाना एग्जाम के हिसाब से. ओके, कुछ एक केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ट्रायल प्रोसीजर्स बिफोर द सेशंस कोर्ट में, हाँ, तो बिफोर द सेशंस कोर्ट में सेक्शन 355 वाला पॉइंट याद करके जाना कि एक ऑर्डर की रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस सेक्शन 356 याद करके जाना, एक सीआरपीसी केस 357 याद करके जाना कि कोर्ट की पावर्स क्या है, फाइन्स वगैरह कैसे देने की, एंड 357 के हिसाब से एंड 357-2, 354 ये वाले पॉइंट्स ज़रूर देखे जाना है, 359 की ताकत के. तो ये कुछ एक पॉइंट्स डेफिनेटली देखे जाना है, एक ट्रायल प्रोसीजर्स में क्या है, वैसे ओवरऑल आंसर पढ़ के जाना है, बट दीज पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड डीपली. ठीक है, एंड यस, डिटेल रिटन ऑर्डर अननेसेसरी एट एवरी स्टेज. हर स्टेज पर रिटन ऑर्डर्स देने की ज़रूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बार बार आप डिटेल ऑर्डर हर स्टेज के लिए वेट मत करो. You can give a reasonable order or a reasoning orders when it is required for, not at every stage of the proceedings. Clear? So, ye wale points zarur dekhe jana. Wrongful conviction, erroneous convictions. Offense related to perjury, section 340 and 195. Jo section hai, wo zarur padh ke jaiyega exam ke hisab se. और द परजुरी, परजुरी के नेचर क्या है, परजुरी होता किस नेचर में, कैसे, और उसके हिसाब से 195 के हिसाब से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है. तो 195-2, 195 सबसेक्शन 3, 195 सबसेक्शन 4. ओके, सो दैट वाज अ केस, एन इकबाल सिंह वर्सेस मीनाक्षी मारवा केस. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट के ऊपर हाईलाइट भी किया था, तो इट्स अ गुड केस, डू रीड इट फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है, एंड या दिस वन ऑल्सो, तो फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू ऑफेंसेस, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं 340 के हिसाब से, वो ज़रूर एक बार देख के जाइएगा. क्लियर, एंड देन अ क्लोज रीडिंग ऑफ 340 व्हाट अपीयर्स टू बी, ये वाला पार्ट भी पढ़ के जाना कि 340 की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसके उसके नेचर किस तरीके के, क्या वो फैब्रिक, तो किस तरीके के फैब्रिकेशन केसेस के ऊपर लगता है. ठीक है, एंड अपील्स अंडर सीआरपीसी, अपील्स अंडर सीआरपीसी में यस, सेक्शन 375.
ओके सेक्शन 375, सेक्शन 376, ओके ये पार्ट जरूर देख के जाना, रीड करके जाना कि क्या नेचर में ये दोनों सेक्शंस एक्सरसाइज किए जाते हैं. क्लियर? देन रिविजन्स एंड कॉलिंग्स में या सेक्शन 397 वन की क्या ज़रूरत है, भास्कर वर्सेस बिमानी डेनिम मिल्स का केस वापस आया, उसमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, एंड 397 की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 397(3), ओके इसके फीचर्स क्या हैं, ये दो बातें ज़रूर देख के जाना. प्लस इसके साथ साथ अपील्स इन एक्विटल्स करके आएगा, इस अपील्स इन एक्विटल्स में 378 सेक्शन है, इस चीज़ को ज़रूर देख के जाना. व्हाट इज 378, कब अपील्स कर सकते हैं, एंड 378(2), 378(3), 378 सबसेक्शन 4, 378 सबसेक्शन 5, ये ज़रूर पढ़ के जाना एग्जाम्स के हिसाब से. ओके देन इस चैप्टर बाय, यस आई नो बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर इसलिए बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर देख के जानी है. एंड पावर्स ऑफ द अपेलेट कोर्ट, इसके अंदर आप 389 ऑफ CRPC ज़रूर देख के जाइएगा, दैट इज पेंडिंग अपील्स के टाइम पे कन्विक्टेड पर्सन के ऊपर अपेलेट कोर्ट किस तरीके से ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो ज़रूर देख के जाना. नोट्स में हमने पूरा ही कवर किया हुआ है. ओके और यस रमा नारंग वर्सेस रमेश नारंग का केस, ये भी पूरा मैंने आपको समझाया था इन रिटन, ये केस क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो ये ज़रूर देख के जाइएगा. ठीक है एंड देर बाद यस इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के क्या क्या इनहेरेंट पावर्स होते हैं, वो कैसे एक्सरसाइज किए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने मधुमा लिमे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या जजमेंट दिया था, ये एक बार ज़रूर देख के जाना इन टर्म्स ऑफ द पावर्स. ठीक है तो ये पूरा इनहेरेंट पावर्स कब कैसे एक्सरसाइज होते हैं, ये सब चीज़ें ज़रूर देख के जाना इन टर्म्स ऑफ द पावर्स. एंड What are the important principles? What are the important principles? Following are the broad principles for basic criminal justice systems. So principles kya the? So we need a proper criminal trial which has to be fair and impartial. Hame Article 21 ke hisab se life to life hai, to hame ye assurance honi chahiye ki we will get a proper trial and a proper manner. And uske saath saath hame ye bhi dekhna hoga ki humne koi ऑफेंस ऐसा तो नहीं कर, दैट इज 303 के हिसाब से एनी पर्सन अक्यूज ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट हुम द प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड मे बी एट अ राइट टू डिफेंड, तो हर किसी के पास राइट ऑफ डिफेंस होता है और हमारी लीगल सिस्टम उस चीज़ को यू कैन से सपोर्ट करती है, दैट येस नो मैटर द हाउ हीनियस द क्राइम अ क्रिमिनल मस्ट हैव डन, बट दे मस्ट गेट सर्टन राइट ऑफ डिफेंस. फाइन and ahead we go that yeah this one company must be an accused, so if a company is an accused what is the outcome, and the case was Anita Handa versus Godfather Travels Private Limited, do read this case, it's the outcome of Information Technology Act and very good case, so do read that, read this decision also, read this part also. Okay this that is a company apne aap mein accused hai to kya nature mein hota hai, और अगर कंपनी अपने आप में कोई विक्टिम है क्या, तो इफ़ अ कंपनी मस्ट बी एन अक्यूज, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी समझो या जो समझो कि कंपनी पे किस तरीके से फिक्स की जा सकती है. कंटिन्यूइंग ऑफेंस एग्जैक्टली, तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस में कुछ पार्ट्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा, एक तो ये द डिफिकल्टी इन कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, दैट इज़ एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता क्या है, तो ये पैराग्राफ एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस का नेचर क्या होता है, ऑफेंस कब कंटिन्यूइंग नेचर में बोला जाता है, तो CWT वर्सेज सुरेश सेठ का केस, कोर्ट का डिसीजन, और उसके साथ साथ ये वाला पार्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बगीनाथ कनौरिया केस में क्या कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट का केस था कुलदीप सिंह वर्सेज स्टेट, जहाँ पे कंटिन्यूइंग डिफेंस की चीज़ें डिफाइन की थी, एंड यस कर्नाटका हाई कोर्ट का केस चंद्रा स्पिनिंग विल्स वर्सेज ROC का केस, अ वेरी गुड केस जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस डिफाइन किया गया था, तो रीड दिस केसेस एंड You will be learning it well और आपको आगे बहुत use होगा. और yes, the continuing offences under the Companies Act. Companies Act में continuing offence का nature क्या है, उसकी importance क्या है, तो जितने भी यहाँ पर cases दिए गए हैं please सब एक बार अच्छे से read करके जाइएगा. If you find it tough, at least read it well to understand what the cases are trying to say to you. Okay, fine.
So that is continuing offenses cases, then diverted properties, diverted funds. Offenses, yes. Offenses which are separate and no penal offenses, सेक्शन 450 अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन जहाँ पे कंपनी लॉ में कहीं कोई पनिशमेंट नहीं दी है, तो 450 कम्स इन द पिक्चर एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑल्सो, क्योंकि ये एक जनरल क्लॉज की तरह पनिश करता है एंड इट इंक्लूड्स द वर्ड कनेक्टेड पर्सन, सो यस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में. तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाइएगा वेन इट कम्स टू दिस चैप्टर लेसन नंबर 9 एंड इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ आर सीरीज. ओके, सो प्लीज रीड दम वेल एंड आई एम डैम श्योर यू आर स्टडिंग इट वेल. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम.